नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में हम आपको रोटी से जुड़ी वह बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में यदि आप जान लोगे तो आप कंगाल होने से बच जाओगे आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो जब रुपये पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हों उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी न चल रहा चारों तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा हो तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी ज़रूर लिखें माता लक्ष्मी दोस्तों हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है सब्ज़ी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं यदि आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी यदि आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता इस साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो यदि आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है पूरे परिवार को इसका का खमियाज़ा भुगतना पड़ता है शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां यदि होती तो इसे आप मामूली न समझें और न ही नज़रअंदाज करने की गलती करें आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है दोस्तों व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है उसमें ये गलती नहीं होती है तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है आपको माला माल कर देती है तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें दोस्तों नंबर एक महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती हाथ पांव नहीं धोती रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ़ किया खाना बनाती तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है माता अन्नपूर्णा जी नाराज़ हो जाती है ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है नंबर दो शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है नंबर तीन दोस्तों अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं ऐसे में रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है इससे काफी प्रभाव पड़ता है नंबर चार रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है इसे पाप भी समझा जाता है इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है नंबर पांच, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए ऐसा मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है ऐसा नहीं करना शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है घर की सुख शांति भंग हो जाती है इसीलिए यदि आप तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें थोड़ा सा किसी को खिला दें तब भी आप भोजन छट सकते हैं नंबर छह यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं इसे आप मामूली न समझें ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है ये घोर अनर्थ समझा है ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए दोस्त वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्ध भी होने लगती है नंबर एक शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है तो यह आप ना करें नंबर दो गुंथा हुआ आटा कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं नंबर तीन टूटे तरह के बर्तन उपाय होते हैं टूटे हुए बर्तन न रखें रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है खाने में फाइबर मात्रा पाचन में सहायता करती है बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या गैस की समस्या और कब्ज़ की समस्या से राहत मिल सकती है इसीलिए दोस्तों बांसी रोटी आपके लिए वरदान है इसका उपयोग करें वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए परंतु जब तक भोजन खाने लायक है खराब ना हुआ हो तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि यह भोजन का अपमान है ऐसे में जो व्यक्ति बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके मान देता है तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है बाँसी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे चेक जरूर कर लें यदि बांसी रोटी में से निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं बांसी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना झर के समान मानी जाती है इसीलिए वाली रोटी कभी भी ना खाएं अब दोस्तों आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है मान्यता है गौ माता के शरीर पर तैंतीस कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है गौ सेव न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को भी आप खिला सकते हैं आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं गाय को यदि अपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें यदि आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी गाय को कभी भी रोटी ना दें इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए घर में कोई फल कोई सब्जी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को देते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से यदि आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही अब आटे की ग्यारह लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं इसके पश्चात को खिलाएं हर एक लौह को खिलाते समय गाय के सिंघों पर आप हाथ फेरें पीठ पर हाथ फेरें मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे जो दुहक का समय चल रहा है वे भी खत्म आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप सात बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे और साथ ही आप गाय को जब भी रोटी दें रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें यदि गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं दोस्तों गाय को कभी भी सुखी रोटी ना खिलाए सुखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए हल्दी रख ले गुड़ रख ले मिश्री घी या जो भी रख ले मतलब खाली नहीं है इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे चीज का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है जनरल में रोजमर्रा की ज़िंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती है धन संबंधी परेशानियां होती हैं इसमें बहुत दूर तक पितृगण यदि नाराज हो तो इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होती हैं और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या दिन या तो चावल की खीर में रोटी डालकर के घर की छत पर कौओं को खिलाइए किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण पितृदोष तो दूर होते ही है बाकी भी बाधाएं दूर होती है विष्णुपुराण के तीसरे अंश में बताया गया है बारहवें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर यदि आ जाए तो उसे भरपेट रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए इससे नारायण प्रसन्न होते हैं धन की कमी होती है मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है दोस्तों रोटी से भूख नहीं मिटाती हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है किंतु बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं और ये ही आसान होता है कोई भी गलत नहीं होता है बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं मान नहीं रहे हैं इस तरह से आप उनको बनाकर के वापस ला सकते हैं सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ यदि आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है काले कुत्ते हैं तो दो रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती है दोष हो किसी ने कुछ किया धरा हो किसी ने बांध दिया हो भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है और कुत्ते को भी क्या हैं केतु ग्रह से संबंधित होता है इस कारण यदि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है आप देखते होंगे घर में जब भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई ठीक से खाना नहीं खा रहा है तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से तीन बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुस है और रोटी गुड़ सहित आपको किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं और नहीं तो दो तीन बार कीजिए उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा और ये उपाय आप कैसे करेंगे कब करना है ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है सुबह जब आप नहा करके रेडी हो जाए जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको लेना चाहिए उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर लें सूखी रोटी ना रखें थोड़ा सा लें और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए शक्कर वो छिड़क लीजिए अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव अपने घर के देवता जो भी आप देवता को घर में पूजते हैं उनका आपको ध्यान करना चाहिए केवल मन में नमस्कार करें और ध्यान करें कुछ मांगने की कुछ शिकायत करने की कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको चार टुकड़े कर लेने हैं और इन चार टुकड़ों को आपको अलग अलग जगह पर रखना है अब पहला टुकड़ा रोटी का कहां रखेंगे पहला टुकड़ा इस एक टुकड़े के छोटे छोटे दो टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की पर या फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बैल्कनी आदि में रख दीजिए पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए यदि घर पर नहीं है तो आप ये व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है वे आप पर प्रसन्न होते हैं जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको हंड्रेड परसेंट मदद मिलेगी आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है व्यापार दिन दुगनी, रात चौगुनी उन्नति करने लगता है इसलिए उनके के लिए ये आपको करना चाहिए रोटी का दूसरा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े करके चीटियों के बिल पर डाल दीजिए इससे आपकी उन्नति में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है आपको खनुशी देख करके मतलब जो लोग भी कोई खनुशी देखकर खुश नहीं हैं आपसे ईर्ष्या करते हैं या जलते हैं और सदा कुदृष्टि रहते हैं आपकी खुशहाली और शांति पर उनके सभी हथियार फेल हो जाएंगे इस चीज को आप करके देखिए और इस तरह से आपका कारोबार और धन भी सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह यदि इवेल आई पड़ी है आपके घर पर या खतरनाक आपके नज़र दोष लगा है वो सभी इससे दूर हो जाते हैं रोटी का तीसरा टुकड़ा ये टुकड़ा आपको किसी आवारा कुत्ते को खिलाना है जो गली में घूम रहा है कोई लोग पूछते हैं कि कुत्ते को खिला दूं तो घर के कुदास को नहीं खिलाना है ध्यान रहे किसी रोड पे घूम रहे हैं ऐसी जो भी आवारा कुत्ते होते हैं उनको ही आपको खिलाना है पालतू कुत्तों को नहीं खिलाना है काला कुत्ता हो तो बहुत बात किंतु कुत्ते का रंग को लेकर ये नहीं कि ब्लैक नहीं मिला तो आप खिलाएंगे नहीं आप खिला दीजिए इससे भी आपके दुश्मन खत्म होते हैं शत्रु चाहे कितने भी षड्यंत्र करते हैं आपके जीवन में किंतु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे रोटी का चौथा टुकड़ा यानी कि आखिरी टुकड़ा इसे आपको चौराहे पर रख देना है ये महामाई का भोग कहलाता है और इस क्रिया को करने से महामाई आपकी सभी ओर से रक्षा करती है चाहे किसी ने भी आपके ऊपर शक्तिशाली से शक्तिशाली तांत्रिक क्रिया आदि भी किया है किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली है तो माता रानी से आपके बिना कुछ किए वो अपने आप निष्फल हो जाता है इस तरह से एक रोटी के चार टुकड़े करके रोज कर सके तो रोज नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन आपसे चार शनिवार ऐसा कीजिए आप देखिए आपके जीवन से कैसे सारी कठिनाइयां अपने आप दूर हो जाती है अब हम बात करें औरतों की कई स्त्रियों को शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते आए दिन पति-पत्नी के बीच झगड़ा और मनमुटाव चलता रहता है ऐसे तो काम पे निकल जाते हैं किंतु एक घरेलू स्त्री होती है उसके लिए बहुत दिक्कत होती है घर में इतना काम करने के पश्चात भी या कोई वर्किंग भी वीमेन होती है तो यदि पति उनका साथ नहीं देता तो ये उनके पश्चात उनका दिल तोड़ देती है और यदि आपको भी लगता है कि घर वाले घर वालों के ज्यादा कहने में हैं पतिदेव या भटक गए हैं तो आपको बासी रोटी का एक बताऊंगी मैं वो आपको बासी रोटी लेकर के करना चाहिए इससे आपका जीवन बहुत हद तक सुखमय हो जाता है यदि आप पुरुष हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं यदि आपकी पत्नी किसी और के वश में हो गई है या कोई गलत काम करने लगी है तो आप ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं किंतु ध्यान रखें ऐसी ही या महिला के लिए करें या ऐसे ही पुरुष या लड़के के लिए करें जो आपके हैं या आप जिनके लायक हैं योग्य हैं ऐसा नहीं कि कोई सूरत लड़की देखी या शादीशुदा महिला देखा उसपे पड़ोस में है ये है वो है वो लगते हैं वो लगते हैं पे मोहित हो गए और उसके पश्चात उनको बस में करने की सोचने लगे ऐसा ना करें ये क्रिया उल्टा पड़ सकता है उल्टा वो आपसे उससे भी ज्यादा नफ़रत कर सकते हैं इस तरीके की मदद तभी लें जब कोई योग्य पर्सन हो जो आपके हैं या लगता है कि नहीं ये हमारे साथ थे और अभी बिछड़ गए हैं हमसे आप लाइव इन में किसी के साथ बहुत दिनों तक रह रहे थे या फिर आपको लगता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं बहुत सालों से और अचानक से वो दूर चले गए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं किंतु बेस्ट ये उपाय काम करते हैं पति और पत्नी क्योंकि रोटी जो होती है वो खिलानी पड़ती है आधी आधी तो ऐसे में जो साथ में रहते हो वो ये उपाय करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है यदि आपको लगता है कि आपके साथ ही किसी दूसरे रिश्ते के अंदर भी फंस गए हैं तो ये बस तरीका करने का बहुत तरीका है सुबह स्नान आदि से निपट लीजिए इसके पश्चात कीजिए नहाने धोने के पश्चात रोटियां बना लें और आपके पति जब आपसे जब खाना मांगे तो रोटियों के ऊपर आपको प्याज के रस से एक मंत्र लिखना है वो बताऊंगा और उस पर घी या मक्खन लगाकर के पत्ती को परोस देना है सबसे पहले इसके लिए प्याज का रस निकाल लीजिए थोड़ा सा एक चम्मच जैसा ही चाहिए आप मिक्सचर में कर सकते हैं या फिर कद्दूकस से घास करके निचोड़ दीजिए फिर ये एक थाली लेनी है या परात लेना है उसमें सिंदूर से उसका नाम लिखिए जिसको आप बस में करना चाहते हैं चाहे आपके पति हो या आपका बॉयफ्रेंड हो